सो हाय एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक इंपोर्ट के ऊपर रहेगा। किस तरह से हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम इंपोर्ट का अलायंस बना सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा बेसिक सा रहेगा आज का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ दो टर्म्स लूँगा, लाइक इंपोर्ट एंड मॉड्यूल। इंपोर्ट का क्या मतलब हुआ? बाहर से कोई लाई गई चीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह से आपने सुना होगा, आयात निर्यात, लाइक दैट। इंपोर्ट का मतलब हुआ कोई बाहर से लाई गई चीज़, ठीक। और मॉड्यूल का क्या मतलब हुआ? मॉड्यूल हो गया जैसे आपने पाइथन की कोई फाइल बनाई, उसको सेव कर दिया किसी भी नाम से .py एक्सटेंशन के साथ, तो वो फाइल जो है हमारी मॉड्यूल कहलाती है। तो इंपोर्ट करना है किसी मॉड्यूल को, ये क्या मतलब हुआ? तो किसी फाइल के अंदर हमें दूसरी फाइल का यूज़ करना है, तो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो फाइल, सो दैट इंटरप्रेटर पहचान सके कि हम क्या करना चाहते हैं। किसी मॉड्यूल के अंदर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया, उसकी डेफिनेशन दी है, तो दूसरी फाइल के अंदर हम उस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब वो इंटरप्रेटर को पता हो उसका मतलब क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसके लिए कोड क्या लिखा गया है। तो सो दैट इम्पोर्ट से क्या होता है, वो सारा कोड एक तरह से उसकी कॉपी कोड की इंक्लूड हो जाती है हमारी करंट वर्किंग फाइल के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इंपोर्ट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे पास एक मॉड्यूल है मैथ, एग्जांपल के लिए मैंने एक मॉड्यूल ले लिया मैथ। बहुत सारे मॉड्यूल हैं पाइथन के अंदर, आप गूगल करके कोई भी एक मॉड्यूल सिलेक्ट करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम भी डिफरेंट मॉड्यूल्स को लेते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा ये कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, तो हम डिफरेंट, जब भी ज़रूरत पड़े डिफरेंट टास्क के अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं किस तरह से इंपोर्ट का हम यूज़ करेंगे। मेरे पास एक मैथ का मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, जिनमें से कुछ है फैक्टोरियल हो गया, स्क्वेयर रूट हो गया, कॉस टेन इस तरह से। और मुझे किसी फंक्शन किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं किस तरह से निकालूंगा? फैक्टोरियल ऑफ 4। तो अभी मैं एंटर करूंगा तो एरर देगा। एरर क्या है? फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, इसे नहीं पता फैक्टोरियल क्या है। मैंने आपको बताया ना, तो इंटरप्रेटर को हमें बताना पड़ेगा कि फैक्टोरियल क्या है। तो हम इंपोर्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नेम, डन। अब यहाँ पे हम फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। अभी भी आप देखेंगे एरर आएगा इसमें, फैक्टोरियल उसे नहीं पता अभी भी क्या है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन के साथ उस मॉड्यूल का नेम भी लिखना पड़ता है, मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5 लाइक दिस। से अब काम किया, 120 इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। इसी तरह से अगर अब देखिए आपके मॉड्यूल का नाम है मैथ, नहीं भाई आपको तो लग रहा है यार बहुत ज़्यादा, इतना टाइप कौन करो, अब मुझे फैक्टोरियल के पहले फैक्टोरियल की स्पेलिंग कितनी बड़ी है, देन मैथ भी इतना बड़ा हो गया। तो अलायस क्या होता है? अलायस मीन्स अल्टरनेटिव नेम, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इस मैथ का नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, इम्पोर्ट मैथ एज एम। अब इस मैथ का नाम जो चेंज होके एम हो गया है एक तरह से, अब आप जो भी फंक्शन यूज़ करना चाहेंगे उसको एम डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5 120, एम डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ 4, डन लाइक दिस। बट अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, अगर आपने अलायंस बना दिया ना इस मॉड्यूल का, देन आप इस मैथ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। करके दिखाता हूँ, मैथ डॉट SQRT ऑफ 4, अभी ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने इंपोर्ट मैथ भी किया हुआ है, इंपोर्ट मैथ हैज़ एम भी किया, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है ये। अगर मैं इसको बंद कर दूँ यहाँ से, मैं दोबारा ओपन करूँ अपने शेल को, पाइथन शेल को, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं इम्पोर्ट मैथ एज एम। अब यहाँ एम डॉट SQRT ऑफ 4, डन 2.0। बट अगर अब मैं लिखूँ मैथ 2.0
डॉट एस क्यू आर टी ऑफ 4, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, एरर, मैथ इज नॉट डिफाइंड। अब इसका नाम जो है एम हो चुका है। अब आपको अगर मैथ ही यूज़ करना है तो आपको क्लोज करके दोबारा स्टार्ट कीजिए अपने शेल को, वो तरीका है। अब आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको छोटा सा नेम दे दिया है, एम डॉट स्क्वायर रूट। तो एक तरह से आपका जो एफर्ट्स हो रहे थे वो कम हो रहे हैं यहाँ पे, आपका टाइम सेव हो रहा है एक तरह से। ये आपको फैसिलिटी दे रहा है एक अल्टरनेट नेम की, अलायस, ये मतलब वो अलायस का और यही यूज़ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्ट के साथ। यहाँ पे इम्पोर्ट भी कीवर्ड था और एज भी कीवर्ड है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि इम्पोर्ट कीवर्ड, देन यहाँ के डब्ल्यू लिस्ट कीवर्ड, कीवर्ड डॉट के लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड एक मॉड्यूल है और मॉड्यूल नेम डॉट की के डब्ल्यू लिस्ट, इससे हमारे पास लिस्ट आ गई सभी कीवर्ड्स की। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हम अपनी सीरीज आगे बढ़ाते जाएंगे मोस्ट ऑफ कीवर्ड्स हम डेली मतलब यूज़ करते जाएंगे। देखिए फॉल्स, नन, ट्रू, ये तो वो हो गए लाइक हमारा बोलियन एक्सप्रेशन की तरह, इनका यूज़ अभी तक आया नहीं है ना, इनका भी मैं आपको कोड करके बता दूंगा। अभी देखिए हमने एज का यूज़ कर लिया है, ब्रेक का भी किया है हमने, तो मैक्सिमाइज कर लेते, कंटिन्यू का भी मैंने आपको बताया है, क्लास का भी हम करेंगे जब क्लास बनाएंगे, डीएफ का भी करेंगे जब फंक्शन बनाएंगे, एलिफ कर लिया हमने, एल्स कर लिया है, फाइनली आगे आएगा फॉर का कर लिया, फ्रॉम अभी किया हमने, करेंगे अभी जस्ट अभी करेंगे फ्रॉम का, इफ कर लिया है, इम्पोर्ट का हमने अभी देखा, इन इज ये भी आपको बताऊंगा, लैम्डा भी आगे आएगा फंक्शन में, नॉट और ये चीज़ अभी ट्राई रह गया, वाइल वाइल का हमने कर लिया, विद रह, इस तरह से ये सारे मतलब आपके कवर होते जाएंगे धीरे धीरे लास्ट तक, लास्ट सीरीज तक ऑलमोस्ट सभी के सभी तो मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। ठीक है, तो अभी जल्दी से देख लेते हैं हम फ्रॉम का यूज़ हम कैसे करेंगे इम्पोर्ट के साथ। अब आप चाहते हैं कि आपको ये मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना है साथ में, आप डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखें और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करें, एंड आपको वैल्यू चाहिए, आपको बार बार मॉड्यूल का नेम नहीं लिखना, तो उसके लिए आप कैसे लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फैक्टोरियल। इस तरह से अब आपने फैक्टोरियल को इम्पोर्ट कर लिया, आप डायरेक्ट अब लिखेंगे ना फैक्टोरियल ऑफ 5, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। आप एक साथ सारे फंक्शनों को भी कर सकते हैं एक तरह से इम्पोर्ट, यहाँ आपको स्टार यूज़ करना है, किस तरह से करेंगे, फ्रॉम फैक्टोरियल की जगह आप लिखेंगे स्टार। अब यहाँ पे आपके पास सारे फंक्शन आ चुके हैं, अब यहाँ पे आप एस क्यू आर टी लिखे हो जो मर्जी यूज़ कर लो, लाइक फोर, हर एक फंक्शन में तो चलेगा। अब जैसे आपने स्टार लिखा, स्टार से क्या हुआ, उसके अंदर जो भी फंक्शन थे वो सारे के सारे आपके पास इम्पोर्ट हो चुके हैं। तो गाइस बस यही कंसेप्ट था हमारे पास इम्पोर्ट का, तो आज हमने तीन कीवर्ड भी देखे इम्पोर्ट एज फ्रॉम। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। अगला मेरा टॉपिक जो रहेगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट रहेगा, तो उससे पहले मैंने इम्पोर्ट का डालने का यही मकसद था, उसमें फ्रॉम का यूज़ होगा, इम्पोर्ट का यूज़ होगा, मॉड्यूल किस तरह से इम्पोर्ट करते हैं, तो मैं चाहता था आप बेसिक क्लियर हो जाए, तो आई थिंक आपको नेक्स्ट वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।